उसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉमन एडजस्टमेंट है विच इज कॉल्ड इंटर कंपनी सेल्स और उस पर आने वाला प्रॉफिट। देखो एक कॉमन सा फीचर है कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को गुड सेल करती है या सब्सिडरी कंपनी पेरेंट को गुड सेल करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पेरेंट के पास गुड्स थे जिसकी कॉस्ट थी 10,000, पेरेंट ने सब्सिडरी को वो 12,000 के बेच दिए, कितना प्रॉफिट हुआ? ये प्रॉफिट पेरेंट अपनी इंडिविजुअल बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, सही है, और सब्सिडरी अपनी गुड्स बुक्स में गुड्स रिकॉर्ड करेगा 12,000 के, ठीक है। लेकिन ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रॉफिट है ये अभी तक ग्रुप के अंदर मौजूद है, सो कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्या करना होगा? इलिमिनेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सही। अब इलिमिनेट करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि बेचने वाला कौन है। पेरेंट सेल करेगा तो अलग एडजस्टमेंट पास होगी, सब्सिडरी सेल करेगा तो अलग एडजस्टमेंट पास होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये एज्यूम कर लेंगे 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है एंड द सेलर इज पेरेंट कंपनी, तो प्रॉफिट किसने अर्न किया? तो पेरेंट की बुक्स में प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ हुआ है। स्टॉक किसके पास है? सब्सिडरी के पास, इसका स्टॉक ओवर स्टेट हुआ है। अच्छा सही है, तो ये एक ही ग्रुप का पार्ट ना। अच्छा, तो स्टॉक कॉस्ट पर होना चाहिए, प्रॉफिट पे रिकॉर्ड हुआ है। सो हम एक एडजस्टमेंट पास करेंगे, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे, ग्रुप्स की रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे ताकि प्रॉफिट निकल जाए, और स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे ताकि प्रॉफिट इसमें से भी निकल जाए। तो इसके डबल इम्पैक्ट क्या होगा? एक तरफ हम ग्रुप की रिटेन अर्निंग कम करेंगे और दूसरी तरफ हम स्टॉक को कम करेंगे क्योंकि स्टॉक ओवर स्टेट हुआ है। ग्रुप की है ये दोनों जी, ये ग्रुप में एंट्री पास होगी, कभी भी ये इंडिविजुअल में एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर सेलर जो है वो सब्सिडरी होता तो क्या होता? फिर प्रॉफिट किसने अर्न किया होता? सब्सिडरी ने, ठीक है। तो फिर एनसीआई के ऊपर भी अफेक्ट आता, जो प्रॉफिट होता उसका एक इम्पैक्ट पेरेंट बियर करता रिटेन अर्निंग में और दूसरा इम्पैक्ट एनसीआई बियर करेगा। तो अब जो एंट्री पास होगी वो एंट्री ये पास होगी, रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे, एनसीआई को डेबिट करेंगे और स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। एनसीआई क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सब्सिडरी की बुक्स में रखा हुआ है, तो जब सब्सिडरी की बुक्स में प्रॉफिट होता है उस पर एनसीआई का भी क्लेम होता है। तो सब्सिडरी की बुक्स में प्रॉफिट बढ़ेगा तो एनसीआई बढ़ेगा, प्रॉफिट कम करेंगे तो एनसीआई को भी कम करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, एग्जाम में ये सीधा सीधा नहीं दिया हुआ होता, इस तरह से दिया हुआ होता, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। ए बी एक्वायर 60% शेयर्स इन बी आफ्टर एक्विजिशन, ए बी सोल्ड गुड्स टू बी एट अ प्राइस ऑफ $50,000 इंक्लूडिंग अ मार्कअप ऑफ 30%। ऑल द गुड्स आर इन
स्टॉक ऑफ बी। मार्कअप क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन। मार्कअप होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है ना, इस वक्त हमारे पास जो दिया हुआ है आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो दी हुई है ना, वो मार्कअप दी हुई है लेकिन सेल्स वैल्यू दी हुई है, तो हम प्रॉफिट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक मिनट, तो आप क्या करेंगे, जब मार्कअप दिया हुआ होता है तो मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट इज 100%, प्रॉफिट इज 30%, सो सेल्स इज 130%। जब भी मार्कअप दिया हुआ होगा तो कॉस्ट हमेशा कितने परसेंटेज होगी, 100%। ठीक है, अब मैं इससे प्रॉफिट निकालता हूं, कितना सेलिंग प्राइस है 50,000, 130% मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर है? हाँ। कैलकुलेट करो। वन फाइव थ्री एट को हम कहेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बुक में इसके लिए वर्ड यूज होता है पीयूपी, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सेलर कौन है? पेरेंट, सब्सिडरी, पेरेंट ना, तो 11538 से रिटेन एंडिंग डेबिट हो जाएगी और स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, एनसीआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, इसी में अगर मैं एज्यूम कर लूं इफ सेलर वाज सब्सिडरी तो अब एंट्री पे क्या फर्क पड़ता, अब क्या होता, रिटेन एंडिंग पेरेंट के ऊपर अफेक्ट आता 60%, एनसीआई क्यों, निकाल दो इसकी वैल्यू, वैल्यू निकालो, 6922.8 रिटेन एंडिंग एनसीआई। अब जब तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो उसमें रिटेन एंडिंग भी निकालोगे, एनसीआई भी निकालोगे, स्टॉक को भी कंबाइन करोगे, उन सब में ये अफेक्ट जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब इसके बाद जब ये ट्रांजेक्शन हो गई, सही है, तो इस ट्रांजेक्शन में एक पार्टी ने रिसीवेबल बुक किया होगा जिसने बेचा होगा, और दूसरी पार्टी ने पेबल बुक किया होगा जिसने खरीदा होगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट ने रिसीवेबल बुक किया हुआ है, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी 10,000, इसने पेबल टू पेरेंट 10,000, क्या करना चाहिए? ग्रुप है ना, आपस में रिसीवेबल पेबल तो हो नहीं सकते, क्या करेंगे, इलिमिनेट ऑल रिसीवेबल्स एंड पेबल्स बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी। ये पॉइंट समझ में आता है? तो अब इसकी एडजस्टमेंट क्या पास होगी ग्रुप अकाउंटिंग में, अकाउंट्स पेबल को डेबिट किया 10,000, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया 10,000, ये कैंसिल हो गए। सही है। अच्छा, व्हाट इफ फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने रिसीवेबल बुक किया हुआ है 15,000 का और दूसरी पार्टी की बुक्स में पेबल रिकॉर्ड हुआ है 10,000 का, अब क्या करेंगे?
अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो 5,000 है ना, ये कहाँ गया, क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो इस 5,000 के दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन कैश इन ट्रांजिट और दूसरा रीजन स्टॉक इन ट्रांजिट। क्या मतलब, एक पार्टी ने कैश भेज दिया, दूसरी पार्टी को रिसीव नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा लिखूं, अकाउंट रिसीवेबल पेरेंट ने बुक किया हुआ 15,000 का, सब्सिडरी ने अकाउंट्स पेबल बुक किया हुआ 10,000 का, और 5,000 का क्या है, कैश इन ट्रांजिट जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप कैंसिलेशन की एंट्री कैसे पास होगी। देखें, अकाउंट्स पेबल को इलिमिनेट कर देंगे, रिसीवेबल को इलिमिनेट कर देंगे, और कैश इन ट्रांजिट को एज्यूम कर लेंगे कि ये पहुंच चुका, रिकॉर्ड कर लेंगे। ये डबल एंट्री कंप्लीट होगी। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अनदर सिनेरियो, अकाउंट रिसीवेबल एक पार्टी ने 50,000 का बुक किया हुआ है, अकाउंट्स पेबल दूसरी पार्टी ने 40,000 का बुक किया हुआ है, और 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इट्स ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स एक पार्टी ने भेज दिए, उसने रिकॉर्ड कर लिए, दूसरी पार्टी को गुड्स मिले नहीं, तो उसने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। हम क्या एज्यूम करेंगे, गुड्स मिल चुके, तब हम एडजस्टमेंट क्या पास करेंगे, स्टॉक को डेबिट करेंगे, पेबल को कैंसिल करेंगे और रिसीवेबल को इलिमिनेट कर देंगे। ये कैंसिलेशन की एंट्री, सही। अच्छा एक चीज, ग्रुप अकाउंट, बोले बोले, ये ग्रुप अकाउंट भी हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसी का पार्ट होगा या अलग से बनता है? उसी का पार्ट। अच्छा एक चीज याद है, पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे, सब्सिडरी ने आगे किसी थर्ड पार्टी को बेच दी, अब सारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया, अब एडजस्टमेंट पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक वो विद इन द ग्रुप है ना, तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं कंसिडर किया जा सकता, क्योंकि ग्रुप इज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। सही जी। अच्छा जी, अब इसके बाद चलते हैं हम ग्रुप्स इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट 5-5 साल का एक साथ नहीं बनता। इनकम स्टेटमेंट यूजुअली किसका बनता है, फॉर द ईयर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम स्टेटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, पेरेंट और सब्सिडरी के तमाम इनकम और एक्सपेंसेस को कंबाइन करेंगे। मैकेनिज्म पे बनाएंगे। ये इसका बेसिक फॉर्मेट है। अब फॉर एग्जांपल, जब हम रेवेन्यू निकालेंगे, सेल्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पेरेंट की सेल्स लेंगे, सब्सिडरी की सेल्स लेंगे, और उसमें से इंट्रा ग्रुप सेल्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये ग्रुप का रेवेन्यू आ जाएगा।
इसी तरह जब ग्रुप की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो पेरेंट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे, सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे, इंट्रा ग्रुप सेल्स यहां से भी माइनस करेंगे और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है दो कंपनीज का, ठीक है, कि दो कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 16 का, पेरेंट और सब्सिडरी का। ए एक्वायर्ड बी ऑन 1st जनवरी 16, सही है, 70% शेयर। तो एनसीआई कितना होगा, एनसीआई कितना होगा, 30 जी, एक ही एडजस्टमेंट डाल रहा हूं मैं इसमें। हमें क्या करना है, हमें पेरेंट और सब्सिडरी के इनकम स्टेटमेंट को मर्ज करना है, सही है। जहां एडजस्टमेंट आएगी वहां पर एडजस्टमेंट का इफेक्ट डाल देना। अब देखो बना रहा हूं मैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आएगा, पेरेंट का रेवेन्यू कितना था, 1000, सब्सिडरी का था 200। अब इंट्रा ग्रुप सेल्स माइनस करेंगे, कितनी है इंट्रा ग्रुप सेल्स, 50, पूरी माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आपका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। अब इसी तरह कंसोलिडेटेड सीओजीएस निकालते हैं, तो 500 प्लस 50 ये तो कंबाइन हो गई, ऊपर वाला 50 दोबारा माइनस करेंगे और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां पर कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 515। जीपी बताओ कितना होगा, 635। ये कंसोलिडेटेड जीपी आ गया। एक्सपेंसेस कंबाइन करते हैं, 150 प्लस 30 180, माइनस करें, और 55। इंटरेस्ट कंबाइन करें, इंटरेस्ट तो एक ही पार्टी के पास था,
पीबीटी टैक्स कंबाइन करें अब बताएं हाउ मच 335 सही ये क्या आ गया ये ग्रुप का प्रॉफिट आ गया अब प्रॉब्लम क्या है हमारा तो 70% शेयर है हमारा तो 100% शेयर नहीं है लेकिन हमने कंबाइन क्या किया है 100% कंबाइन किया है तो इस प्रॉफिट को हम तोड़ेंगे दो हिस्सों में ये वर्किंग भी ग्रुप इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है पेरेंट का शेयर कितना है और एनसीआई का शेयर कितना है इसके अंदर 75 ऐसे नहीं करेंगे अगर ये किया ना गलत हो जाएगा एनसीआई सेपरेटली निकालेंगे एनसीआई कैसे निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडी 100% ऑफ एनसीआई कितना हो गया 30 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस होता अगर सब्सिडरी सेलर होता तो इस सवाल में कौन सेलर था पेरेंट तो ये 30 अब देखो टोटल ग्रुप का प्रॉफिट कितना है 335 उसमें एनसीआई का शेयर कितना है 30 तो बाकी किसका होगा कितना क्लास थोड़ी सी मुख्तसर होगी मैं थोड़ा मसरूफियत चल रही है मेरी तो मैंने कहा जितना टाइम मिलता है वो दे दूं लोगों सही है देखो नॉर्मल तरीके से पता प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये कि जो 335 है ना इसके अंदर पेरेंट का 100% प्रॉफिट है और सब्सिडरी का 100% प्रॉफिट है राइट हेलो जी बिल्कुल तो आप जब एनसीआई को 30% दोगे तो वो एनसीआई को पेरेंट के प्रॉफिट पे क्यों 30% दे रहे हो भाई एनसीआई का शेयर तो सब्सिडरी के प्रॉफिट पर होता है ना समझ गए सही सही अच्छा अगर इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल आई तो कहां जाएगी इंपेयरमेंट एक्सपेंस होता है इंपेयरमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर डाल देते हैं ठीक है क्या इंपेयरमेंट का अफेक्ट एनसीआई को चार्ज होगा कब चार्ज होगा दो तरह की गुडविल होती है फुल गुडविल और प्रोपोर्शनेट गुडविल तो अगर हमने फुल गुडविल मेथड यूज किया और इंपेयरमेंट आई तो एनसीआई को उस इंपेयरमेंट का शेयर मिलेगा और प्रोपोर्शनेट में पूरी की पूरी इंपेयरमेंट लॉस पेरेंट को चार्ज हो जाएगी सही है सही अच्छा अब इनकम स्टेटमेंट में एक छोटा सा इशू आता है मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन मसलन हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है 31 दिसंबर 16 ठीक है और हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया है 1 जुलाई 16 पे कितने महीने हुए सिक्स मंथ इसे कहते हैं मिड ईयर एक्विजिशन
अच्छा मिड ईयर एक्विजिशन होगा तो क्या होगा, कंबाइन कैसे करेंगे, पेरेंट का 100%, सब्सिडरी का जो रेवेन्यू होगा उसको कर देंगे 6/12। हर चीज क्या होगी, हर चीज COGS भी, एक्सपेंसेस भी, इंटरेस्ट भी, टैक्स भी, क्यों, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, वो फॉर द ईयर बनता है, कितने महीने का बन रहा है। तो पेरेंट का तो 100% रहेगा, लेकिन सब्सिडरी का कितना आएगा, सब्सिडरी का आएगा फॉर द ईयर पार्ट जो हिस्सा होगा, 3 महीने का होगा 3 महीने का डाल देंगे, और अकॉर्डिंगली जैसा भी होगा उसको उस हिसाब से ले लेंगे। सही। अच्छा अब इसमें एक